जी हाँ दोस्तों, आज की बेहद ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। संपूर्ण देशवासियों के लिए बचा है मात्र एक दिन का समय। देश में 1 तारीख से बदल जाएंगे यह 5 नए नियम। आज ही निपटा लें अपने 5 जरूरी काम, वरना होगा बड़ा नुकसान। और वहीं दिवाली त्योहार से पहले संपूर्ण देशवासियों को मोदी सरकार देने वाली है तोहफा। हर एक मजदूर, गरीब एवं किसान के साथ साथ महिलाओं को मिलने वाला है यह बैंक में बड़ा लाभ। साथ ही साथ बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला पर लगेगी लगाम। देश में अब सरकार लाने वाली है नया कानून, इस राज्य में सबसे पहले होगा लागू। जान लें आखिरकार क्यों सरकार करने वाली है बंद आ रही है अभी अभी की बड़ी खबर। इसी के साथ अगर आप भी बेहद ही सस्ते में मोबाइल फोन, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर या फिर आप अपने रसोई का कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो होने वाली है बड़ी सेल की शुरुआत। भयंकर सस्ते होने वाले हैं कई चीजें, तुरंत करवा लीजिए खरीदारी। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें यह सस्ती मिलने वाली हैं, कैसे आपको भी खरीदारी करनी है। इसके अलावा अगर आप भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, स्कूल जाते हैं, तो यह सरकार देगी 25 लाख बच्चों को एक एक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे यह फ़ायदा मिलेगा, किन किन लोगों को मिलेगा, इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी बताई गई है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार 5 दिनों से सस्ता हो रहा है सोना। 58,000 रुपये तक की कीमतों पर आ चुके हैं दाम। तो ताज़ा कीमतें आखिरकार कितने कितने रुपए तक गिरे हैं इसकी भी जानकारी देंगे। सोने और चांदी दोनों के रेट जानने को मिलेंगे। इसी बीच डेंगू से हो जाएं सावधान। देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है डेंगू, कई लोगों की हुई मौत, तो वहीं अस्पतालों में लगी है लंबी लंबी लाइन। तो भाई और बहनों, आखिरकार यहाँ पर डेंगू के मामले किन किन राज्यों में फैल रहे हैं अभी जानेंगे थोड़ी ही देरों में। और इसके अलावा दोस्तों, दिवाली से पहले आम जनता को लग सकता है बड़ा झटका। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ सकती हैं तेजी से कीमतें। जान लीजिए आखिरकार क्या है कारण। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है पेट्रोलियम मंत्री जी की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है। आखिरकार पेट्रोल और डीजल दिवाली त्यौहार से पहले क्यों बढ़ेगा इसकी भी जानकारी देंगे। और वहीं 1 अक्टूबर से देश भर में ATM कार्ड से लेकर LPG रसोई गैस सिलेंडर तक होने वाले हैं कई अहम बदलाव। आप भी देख लें वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। तो भाई और बहनों, इन नियमों में कौन कौन से बड़े बदलाव हैं जो कि आपके काम के एवं आपके फायदे के रहने वाले हैं, आपको पहले ज़रूर जान लेना चाहिए वरना आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर, बैंकों में होने वाली है लगातार 16 दिनों तक छुट्टी। अगले नए महीने में 16 दिनों तक रहेंगे बैंक बंद। तो दोस्तों, घर से निकलने से पहले इन छुट्टियों की लिस्ट पर भी एक नज़र आपको डालनी होगी। RBI के द्वारा क्या आखिरकार किस किस दिन छुट्टियों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, किन किन दिन छुट्टियाँ रहेंगी, जानकारी जानने को मिलेगी थोड़ी देर में। वहीं भाई और बहनों, अगली बेहद ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दूर संचार विभाग का आया नया नियम। अब इतने से ज़्यादा सिम कार्ड रखने पर बंद हो जाएंगे आपके सिम कार्ड, नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। जी हाँ, अगर आप भी यहाँ पर कई ज़्यादा सिम कार्ड आप रखने के शौकीन हैं दोस्तों, तब सतर्क हो जाइए। एक से ज़्यादा सिम कार्ड या फिर यहाँ पर आपके पास में एक सीमित संख्या यहाँ पर दूर संचार विभाग ने तय कर दी है। इनसे ज़्यादा अगर आपके पास सिम कार्ड होते हैं तो अब आपको यहाँ पर जो है अपना नंबर बंद करवाना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो आइए हर एक बड़ी खबर की इस मुख्य समाचार की वीडियो में आपको ताज़ा जानकारियाँ बताते हैं विस्तार से। उससे पहले गुजारिश है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल की घंटी को भी ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की बेहद ही बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, बिजली बिल उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। बिजली बिल को लेकर अब लगेंगे स्मार्ट मीटर, घर घर सरकार लगवाने वाली है स्मार्ट मीटर। जी हाँ दोस्तों, बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में खासकर यहाँ पर जो है अभी तक उपभोक्ताओं के घरों में जो नॉर्मल मीटर लगे हैं उनको हटाकर अब स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू होने वाली है। भाई और बहनों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से भी एक यहाँ पर जो है जानकारी निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार भी अब यहाँ पर जो है बिजली बिल को लेकर जो है अब यहाँ पर सजग हो रही है। जो बिजली के अभी नॉर्मल मीटर लगे हैं उनमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं, कहीं पर बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है तो कहीं पर काफ़ी कम आता है। इसकी वजह से अब यहाँ पर पूरी तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे ताकि यहाँ पर जो ग्राहकों को या फिर कहें उपभोक्ताओं को दिक्कतें होती हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके। तो दोस्तों, आपको बता दें स्मार्ट मीटर लगेंगे सभी के घरों में, लेकिन अब यहाँ पर जो है आपको फ्री में, आपको इसके लिए अब कोई पैसा नहीं चुकाना होगा। सरकार अभी तक जानकारी आ रही थी कि आपको ही इसका पैसा चुकाना होगा, लेकिन बिजली विभाग ने पूरी जानकारी क्लियर कर दी है कि आपको इसका 1 भी रुपया नहीं देना होगा। बिजली
विभाग खुद ही लगाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 तारीख से बदल जाएंगे ये 5 नियम, आज ही निपटा लें वरना होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ, सितंबर का महीना खत्म हो चुका है लगभग और अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आपको बता दें LPG रसोई गैस सिलेंडर के साथ साथ कई बड़े बदलाव हैं जो कि आपको नए महीने में देखने को मिलेंगे। LPG के दामों में हो सकती है कमी। जी हाँ, खबर आ रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ प्रत्येक महीने की 1 तारीख को यहाँ पर जो है LPG के दामों में संशोधन करती हैं। ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है एक बार फिर से बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कंपनियाँ सस्ता करती हैं या फिर नहीं। दूसरा बदलाव है TCS नियम में। जी हाँ, 1 अक्टूबर 2023 से स्रोत पर यानी सोर्स पर कर संग्रह के नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ तीसरा बदलाव, 2000 रुपये के नहीं चलेंगे नोट। जी हाँ, 30 सितंबर तक अंतिम मौका RBI ने दिया है आपको नोट बदलने के लिए। 2000 रुपये के नोट अगर आपके पास भी हैं तो 30 सितंबर के बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा, 2000 रुपये के नोट संपूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे। साथ ही चौथा नियम है जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज। जी हाँ, एक एकल दस्तावेज यहाँ पर बनाया जाएगा जो कि आपके लिए यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया जाएगा, यह महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और वहीं दोस्तों इसी के साथ इधर बताया जा रहा है कि ये आने वाले नए महीने में देश में लग सकता है नए नियम, बीड़ी सिगरेट गुटखा और पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर लग सकती है लगाम। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर के नए महीने में कुछ बड़े बदलाव आपको जैसा कि देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बीड़ी सिगरेट गुटखा और पान मसाला का इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार अब यहाँ पर GST भरने वाले उद्योग में बताया जा रहा है कि पान मसाला जो यहाँ पर बनाने वाली कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको अब यहाँ पर पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी ताकि यहाँ पर सरकार जो है उन पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो GST है या फिर जो टैक्स है उसको लागू कर सके। ऐसे में जो कंपनियाँ पान मसाला और तंबाकू बनाती हैं वो कंपनियाँ अगर अपना टैक्स चोरी का कुछ भी यहाँ पर अपना जुगाड़ करती हैं या फिर अपनी जानकारी साझा नहीं करेंगी तो उन कंपनियों पर यहाँ पर लगाम लग सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेहद बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, पक्के मकान का सपना होगा सच, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ नए लोगों को मिलेगा घर। जी हाँ भाई और बहनों, खबर निकल कर आ रही है सीधे केंद्र सरकार से, देश के गरीब परिवारों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान यहाँ पर सभी गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। 4 करोड़ अन्य परिवारों को सरकार जो है अब यहाँ पर पक्के मकान का सपना पूरा कर देने वाली है। तो भाई और बहनों बता दिया जाए कि यहाँ पर देश की केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ से यहाँ पर जानकारी दी गई है, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में 4 करोड़ लोगों को यहाँ पर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलेंगे। इसी बीच मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के साथ साथ AC, TV, फ्रिज और कूलर के अलावा 25,000 चीज़ें मिलेंगी भयंकर सस्ती। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर शुरू होने वाली है बम्पर सेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट पर दी बिग बिलियन डेज की शुरुआत होने वाली है। बताते चलें दोस्तों आपको, यहाँ पर 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक यहाँ पर फ्लिपकार्ट की घोषणा हो चुकी है जिस पर यहाँ पर द बिग बिलियन डेज की सेल चलेगी, जिसमें कई चीज़ें सस्ती मिलेंगी, चाहे आप कुछ भी खरीदना चाहें, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सैमसंग गैलेक्सी के स्मार्टफोन 50% से भी ज़्यादा सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा AC, TV, फ्रिज, कूलर के अलावा यहाँ पर स्मार्ट वॉच, होम अप्लायंसेस के साथ साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पर भी बम्पर छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों ऐसे ही और बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।